हाय गाइस, नमस्कार। मेरा नाम है विकास और चलिए शुरू करते हैं हम आज की वोकैबुलरी। और वोकैबुलरी का डेली डोज आज है डे 74, मतलब हम 74 डे से लगातार वोकैबुलरी पढ़ रहे हैं। और मेरा एक ही मानना है कि मैं वो वोकैब पढ़ाता हूँ जो एग्जाम में आती है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ कि कुछ भी वर्ड पढ़ रहे हैं हम, सिर्फ वो पढ़िए जो एग्जाम में आता है। एंड आई बेट अगर आपने सारे वर्ड वाकई याद कर लिए, एग्जाम के बाहर ऐसा एक भी ऐसा वर्ड नहीं होगा जो आपने पढ़ा ना हो। हर चीज आपको आपके पेपर में नजर आएगी इस वोकैबुलरी से। ठीक है, तो चलिए अब हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करेंगे आज की वोकैबुलरी। और पहला वर्ड लेते हैं हम इनसॉल्वेंट। इनसॉल्वेंट हो जाना मतलब जैसे कोई कंपनी ने किसी बैंक से लोन लिया, फिर अब जैसे कोरोना चल रहा है, कोरोना काल की वजह से बहुत सारी कंपनी लॉस में आ गई, पैसे रीपे नहीं कर पा रहे, तो धीरे धीरे कंपनी का जो जो प्रोडक्शन था वो रुक गया, उसकी सेलिंग रुक गई, तो उसने क्या किया, अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहा है ना लोन। तो इनसॉल्वेंट हो जाना मतलब अनएबल टू पे द डेब्ट्स। जब हम बैंक का लिया हुआ पैसा पे नहीं कर पाते तो कंपनी दिवालिया घोषित कर देती है, उसे ही कहते हैं इनसॉल्वेंट। पर इसका ऑपोजिट होता है, सॉरी उसका ऑपोजिट होता है सॉल्वेंट, जिनके पास पैसा अभी लिक्विडिटी काफी है, पैसा काफी है, तो जो पे कर पा सकते हैं मतलब अभी उस काम को करने में सक्षम है, हम उन्हें सॉल्वेंट कहते हैं। लेकिन इन्वॉल्वमेंट हो जाने का मतलब होता है दिवालिया, और एक एडजेक्टिव है क्योंकि ये विशेषता दिखा रहा है व्यक्ति दिवालिया है, मतलब व्यक्ति नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसकी विशेषता खत्म हो गई है, इसीलिए ये एडजेक्टिव बन रहा है ना कि नाउन। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट वर्ड चलते हैं, इनसोम्निया। यहाँ तो सोमना वर्ड आ रहा है, सोमना रिलेटेड टू निद्रा मतलब नींद से है, और जब इनसोम्निया होता है तो नींद नहीं आती है, तो इनसोम्निया मतलब नींद नहीं आना। इनएबिलिटी टू स्लीप, इसी का उल्टा होता है हाइपरसोम्निया, पूरे टाइम नींद ही नींद में रहना। सोमना वर्ड का मतलब ही होता है रिलेटेड टू स्लीप। यहाँ सोमना ब्यूलिस्ट भी एक वर्ड होता है, इसमें आप जोड़ दो BULIST ब्यूलिस्ट, ये होता है नींद में चलने की बीमारी। आप इसमें LOQUIST लोक्यूस्ट कर दो तो नींद में बड़बड़ाने की बीमारी। तो सोमना इज रिलेटेड टू नींद, सोमना इनसोमनिया हाइपरसोमनिया। ठीक है, तो सोमना मतलब रिलेटेड टू नींद और इनसोमनिया मतलब नींद ना आना, इसका ऑपोजिट क्या हुआ हाइपरसोमनिया। इतना आप याद कर लो, बहुत आसान वर्ड है, वन वर्ड में भी काफी पूछा जाता है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इंस्टिगेट। अगर आप किसी को इंस्टिगेट कर देते हैं मतलब भड़का देते हैं कोई काम करने की, बहुत सारे नेता होते हैं ना, फायर ब्रांड है नेता, कि वो मुंह से कुछ बोलते हैं, कहीं दंगे हो जाते हैं, कहीं कोई कुछ करता है, कहीं आतंकवादी के जो लीडर्स होते हैं वो अपने ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि वो बंदा जो है वो कहीं भी गोली चलाने में रुकता नहीं है, इतना ज्यादा उनको भड़का दिया जाता है, उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। तो मैंने कोई बात बोली इससे कोई भड़क गया, उसे कहते हैं इंस्टिगेट करना, यानी किसी को भड़का देना। अर्ज टू एक्शन मतलब कोई एक्शन करने के लिए भड़का देना, जबकि इसका ऑपोजिट होता हॉल्ट। हॉल्ट मतलब होता रोक देना। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड इज इंसुलर। अब इंसुलर माइंड मतलब होता है ऐसा दिमाग जिसको आप बोलते संकीर्ण दिमाग वाला, छोटी सोच वाला, उसे कहते हैं इंसुलर माइंडेड पर्सन, या नैरो इन माइंडनेस, या नैरो थॉट वाला, जिसकी सोच छोटी हो, संकुचित विचार का, क्या बोलते हैं संकुचित विचार का, नैरो इन आउटलुक, इसे कहते हैं इंसुलर। ऑपोजिट क्या होगा इसका, ब्रॉड माइंडेड, जिसका दिमाग पूरा खुला हुआ, वो कोई भी चीज में सोच छोटी नहीं रखता, उसे कहते हैं ब्रॉड माइंडेड पर्सन। या टॉलरेंट भी होता है क्योंकि झेलने की क्षमता बहुत होती है। अभी आपने सुना होगा कुछ दिन पहले भारत में असहिष्णुता बढ़ गई थी, इन टॉलरेंस बढ़ गया था, मतलब आप झेल नहीं पा रहे हो, किसी ने कुछ बोला और आप भड़क गए, आपकी सोच में बस जरा सी कोई बात आई और आपने कुछ हंगामा कर दिया। टॉलरेंट होता है कि मैं झेल रहा हूँ, झेल रहा हूँ, मेरी क्षमताएं बढ़ गई हैं, ठीक है यार किसी ने ये बोला पर आई एम कूल, है ना, अपन को भड़कना नहीं है। तो टॉलरेंट लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर सहिष्णु मतलब जिसके अंदर झेलने की क्षमता ज्यादा हो, संवेदनशीलताएं जल्दी से जो एकदम से शो ऑफ नहीं करता उसे कहते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं इंटीग्रेट। अब इंडिया यूनिटी इंटीग्रेशन आपने सुना होगा, इंटीग्रेशन इसी से TION लगाएंगे, इंटी INTI INTEGRATION
इंटीग्रेशन कर देंगे तो नाउन बन जाएगा, इंटीग्रेट कर लिया तो एडजेक्टिव विशेषता दिखा देगा। इंटीग्रेट मतलब होता है किसी चीज को इकट्ठा 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 करके जोड़ देना, अखंड बना देना, एक साथ कंबाइन कर देना। यूनिटी इन इंटीग्रिटी मतलब भारत मतलब अखंडता और एकता एक साथ जिसको हम बोलते हैं। तो इंटीग्रेट मतलब फॉर्म इंटू होल, यूनिफाई, एक कर देना। और इसका ऑपोजिट क्या होता है? सेपरेट यानी पृथक, यानी अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इंटरमिटेंट। जैसे बारिश इंटरमिटेंट हो रही है, थोड़ी सी बारिश हुई फिर रुक गई, फिर थोड़ी सी बारिश हुई फिर रुक गई, फिर थोड़ी सी बारिश हुई फिर रुक गई, तो उसे कहते हैं इंटरमिटेंट रेनफॉल। तो जब कोई चीज पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से, पीरियोडिक कोई पर्टिकुलर टाइम से होता है तो हम उसे कहते हैं इंटरमिटेंट। जैसे क्लासेस स्कूल में चलती है तो इंटरमिटेंट चलती है, या कोई चीज रुक रुक कर होना। मैंने कहा तुम पढ़ाई इंटरमिटेंट कर रहे हो, मतलब रुक रुक कर रहे हो। इसका ऑपोजिट क्या होता है? कंटिन्यूस, लगातार बिना रुके, या स्टेडी। स्टेडी भी है ना, मतलब आप डिसबैलेंस नहीं हो रहे हो। स्टीडी हो मतलब एक जैसे, एक ही निरंतर चाल में चलना, उसे कहते हैं स्टीडी। और इसका उल्टा क्या होता है? इंटरमिटेंट, यानी रुक रुक कर। गॉट आइडिया? आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं, इंटरवीन। इंटरवीन करने का मतलब होता है बेसिकली इंटर मतलब बीच में, इंटरवीन मतलब जैसे दो देशों के बीच में एक तीसरा देश बोलता है हम आपकी मध्यस्थता करवा देंगे, तो उसे कहते हैं इंटरवीन करना। मतलब दो चीजों के बीच में आके दो लोगों के बीच के डिफरेंस को सेटल कर देना, उसे कहते हैं इंटरवीन। इसका उल्टा मतलब एक वर्ड होता है, इसका उल्टा होता है कॉन्ट्रावीन, CONTRAVENE। कॉन्ट्रावीन कर लेंगे तो दो दोस्तों देशों के बीच में आ गया, दो लोगों के बीच में आ गया और झगड़ा करवा दिया, ताकि वो लोग और आप देखना भी पसंद नहीं कर रहे हैं, उसे कहते हैं कॉन्ट्रावीन करना। और इंटरवीन मतलब दो लोगों को दोस्त बनाना, कॉन्ट्रावीन दोनों लोगों को दुश्मन बना देना एक प्रकार से। तो कम इन एज टू हेल्प सेटल डिफरेंस, मतलब दो लोगों के बीच में सेटल डिफरेंस जो सेटल कर देना, खत्म कर देना, हस्तक्षेप वैसे सेंस में है। जबकि इसका ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम कनेक्ट, ज्वाइन, इंटरवीनिंग करना, हस्तक्षेप कर रहा है, और ज्वाइन, यूनाइट मतलब ये एक करने की कोशिश कर रहा है। जबकि इंटरवीनिंग क्या हो रहा है? जब दो लोगों के बीच में आके मध्यस्थता करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हुई या नहीं हुई ये बात अलग है ना, ये कनेक्टेड है। ये इंटरवीनिंग होती कब? जब दो लोग अलग होते हैं, इसीलिए ऑपोजिट में इसमें क्या आ गया? इकट्ठा ही हो गया। एक्चुअली में इसका मतलब पहले से यही है। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। ओके, इन टोटो कई बार यूज होता है। इन टोटो क्या? इन टोटो, TOTAL, ये इन टोटल है। इन टोटो जैसे मैंने कहा, इन टोटो आई वॉन्ट टू से, मैं इन टोटल कंप्लीट सेंस में ये बात बोलना चाहता हूं। इन टोटल यानी इन कंप्लीट सेंस में, सो इन टोटो, इन टोटो यानी इन कंप्लीट सेंस। और इसका या पूरा का पूरा कंप्लीट। और इसका ऑपोजिट होता है इनडेफिनेट, जब कोई चीज स्पष्ट ही ना हो। जब आप कोई चीज स्पष्ट रूप से बताओगे नहीं तो कंप्लीट कहां से बताओगे? थोड़ी बात इधर की, थोड़ी उधर की, इनकम्प्लीट बात होगी, इनडेफिनेट होगी। जो डेफिनेट ना हो उसे इनडेफिनेट कहते हैं, वही इन टोटो का उल्टा वर्ड है। आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज इंटीमेट। मैं आपको तीन दिन पहले इंटीमेशन दे दूंगा कि कब मैं कौन सा टेस्ट लेने वाला हूं, या वो जब आया तो उसने मुझे इंटीमेट किया था। इंटीमेट मतलब हिंट दे देना या सूचित कर देना। तो आई विल इंटीमेट यू इन बिटवीन, मैं आपको इस बीच सूचित कर दूंगा। जबकि सूचित मतलब जब आपको कोई चीज पता ना हो ना तब। तो इसका ऑपोजिट क्या होता है? डिस्टेंट, जो साफ साफ पता हो, क्योंकि इसमें आपको हिंट मिल रही है। इंटीमेट में क्या हो रहा है? सूचित करने का, अरे ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। लेकिन डिस्टेंट में क्या होता है? साफ पता है कि ये ही है और ऐसा ही होता है। देखो ये वर्ड कंफ्यूज करते हैं अक्सर हमें, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा तो आपको जो मैं आंसर बता रहा हूं ना वही टेक लगाना। तो इंटीमेट मतलब सूचित। सूचित कब करना है? जैसे मान लेते किसी का दो चोर खड़े होने का, जैसी पुलिस आएगी मैं एक हॉर्न बजा दूंगा, समझ जाना वहां से भागना है। तो हिंट मिल गई, चोर भाग गया। लेकिन डिस्टेंट में तो साफ पता है कि ये पहले से ही प्लान्ड है, ये पहले से ही ऐसा हो रहा है। तो डिस्टेंट होता है स्पष्ट, और इंटीमेट होता है जब हम किसी चीज का हिंट देते हैं किसी को, ये उसका मतलब है। ठीक, आइए नेक्स्ट वर्ड लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड तो कंप्लीट हो गया। एक जल्दी से मैं काम की बात बता दूं, हमने ऑनलाइन बैच स्टार्ट किया है इंग्लिश का, ये हमारे ऐप पे चल रहा है और फीस बहुत कम है। अब एक नया बैच भी शुरू होने वाला है, लेकिन ये वाला बैच चल रहा है, इसके 3-4 चैप्टर हो चुके हैं, इसके कंप्लीट वीडियो भी आपको देखने मिल जाएंगे विदाउट एनी हैसल। एक के बाद एक टॉपिक बाई टॉपिक मैंने सारे वीडियो बनाने शुरू कर दिए हैं, जैसे हम क्लास में पढ़ते थे बस वैसे ही पढ़ रहे हैं। टेस्ट भी हो रहे हैं, असाइनमेंट भी हो रहा है। अगर आप इंटरेस्टेड है पढ़ने में इंग्लिश
ग्रामर एग्जाम के लिए, तो आप नीचे स्क्रॉल पे मेरा नंबर है, मुझे कॉन्टेक्ट करिए। और ये जो लोगो आपको दिख रहा है, इस लोगो को आप गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और माइडस अकेडमी लिख रहे हैं और ये ऐप डाउनलोड कर ले, ठीक है। इसके बाद आप मुझे कॉल या मैसेज कर देना, मैं एक्सप्लेन कर लूंगा कैसे पेपर आपको मिलेंगे और कैसे आपको वीडियो मिलेगी। दूसरी और खास बात, अगर आप MPSI जेल प्रहरी का टेस्ट पेपर भी लगाना चाहते हैं तो बहुत कम कॉस्ट है, 299 ओनली। 25 क्वेश्चन पेपर सेट है, हर सेट में 100 क्वेश्चन है हिंदी इंग्लिश के, आंसर वीडियो एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगा आपको, वो भी आप लेना चाहें कॉल करें। चलिए आगे चलते हैं फटाफट काम की बात। मैंने कल जो पेपर दिया था उसके आंसर, तो आजकल बच्चे कम आंसर भेज रहे हैं कि भैया पढ़ने में मन नहीं लग रहा है या इच्छा नहीं हो रही, आंसर नहीं भेजो, आई एम नॉट गेटिंग, बट आपके आंसर का मैं वेट करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मैं रोज एक वीडियो बनाता हूँ आपके लिए। तो मैं सिर्फ इतना सोचता हूँ कि मेरे बच्चों ने देखा या नहीं देखा, देख लिया तो मुझे आंसर भेजिए, क्योंकि आप लोग अभी पढ़ रहे हो अभी एग्जाम के लिए, तो आपको ये टेस्ट टाइप देना चाहिए रोज, ठीक है। एग्जॉर्बिटेंट मतलब होता है अधिक या प्रचुर मात्रा में, तो इसका सिनोनिम होता है एक्सेसिव यानी अधिक। डिलिजेंट का मतलब होता है मेहनती, इसलिए इसका मीनिंग होता है इंडस्ट्रियस। और एडमोनिश मतलब होता है वार्निंग, तो इसका मतलब होता है रिप्रूव, रिप्रूव करना भी किसी को, वार्निंग देना, ठीक है। ये तीन आंसर थे, एक दो स्टूडेंट ने भेजा है, सुषमा ने भेजा था आंसर, वेरी गुड, और उनके पूरे आंसर सही है। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स ने आंसर नहीं भेजे, इसलिए मुझे दुख है, आप आंसर भेजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स। और आज का वीडियो देख लीजिए, सॉरी आज का क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट मुझे आंसर भेजिए, आई एम वेटिंग। और दोस्तों घबराइए मत, वैकेंसी भी आएगी, आपकी मेहनत का रिजल्ट भी मिलेगा, कभी चीजें आगे पीछे होती है, मेहनत रिजल्ट देर से आता है भाई, मैं भी तो मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी तो लाइव नहीं पढ़ाता था, वीडियो नहीं बनाता था, पर मैं कर रहा हूँ ना कोशिश, आप भी डरिए मत, करिए कोशिश। दुनिया में सारे लोग हैं, सबको एक ना एक दिन तो स्ट्रगल करना ही पड़ता है, आपका टाइम चल रहा है स्ट्रगल का, आप डरिए मत, बस करते रहिए मेहनत, सिलेक्शन आपका जरूर होगा, ये मैं गारंटी से बोलूं। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, क्वेश्चन देख लीजिए, आंसर दीजिए, आई एम वेटिंग, ओके, चलो बाय, मिलेंगे फिर एक नए वीडियो में, पढ़ते रहिए, जोश बनाए, बाय।